हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। और आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे हम पेंसिल ड्राइंग को डिजिटल आर्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं या और किन किन सॉफ्टवेयर में हम इन्हें कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आगे। सो दोस्तों, आप जैसे इसमें देखेंगे कि ये ऑलमोस्ट कम्प्लीट ड्राइंग ही है, और मेरे को बहुत बाद में रियलाइज हुआ कि मैं इसको अपने यूट्यूब चैनल पर भी ला सकता हूँ, पर मैं स्टिल आपको इसमें दिखाना चाहूँगा कि हम क्या क्या ऑब्जेक्ट इसमें हमने ऐड करे हैं और इसमें एक दो चीज़ें और ऐड ऑन करूँगा। तो आइए देखते हैं। ये मैं जो बना रहा हूँ ये थोड़े पार्टिकल्स है, ये आप जैसे माइक्रोफाइबर कह सकते हैं। ये किसी क्लाइंट के लिए ही कमीशन वर्क है, ये कवर आर्ट के लिए है कि कैसे वॉशिंग मशीन से क्लॉथ कपड़ों से कैसे माइक्रोफाइबर निकलते हैं और वो फिश खाती हैं और कैसे उनके साथ चीज़ें हो रही है। तो ये टोटली एक कंसेप्ट ड्राइंग है, पर स्टिल हमने इसमें आइए देखते हैं और क्या क्या एलिमेंट्स हम ऐड कर सकते हैं। लाइक सर्कल एक माइक्रोफाइबर शेप हमने ऐसे यूज़ किया है एब्स्ट्रैक्ट, उसके अलावा हम एक थ्रेड यूज़ कर सकते हैं। आइए देखते हैं थ्रेड बनाने का प्रोसेस। यहाँ पर हम एक और थ्रेड यूज़ कर सकते हैं एंड यहाँ थोड़ा एरिया खाली है तो यहाँ पे भी हम एक थोड़े थ्रेड को यूज कर सकते हैं। एंड आई गेस इट्स ऑलमोस्ट कंप्लीट, सो बट स्टिल लाइक वी कैन ऐड सम फ्यू एलिमेंट्स। और इसमें मैंने जो पेंसिल यूज़ करी है वो कैमलिन के 0.9 mm की पेंसिल है। आप ये किसी भी स्टेशनरी शॉप से ले सकते हैं, इजीली अवेलेबल हो सकती है, कोई हाईटेक पेंसिल नहीं है, एक बहुत ही नॉर्मल पेंसिल है। मेन आपका इसमें कंसेप्ट मैटर करता है, रेदर देन कि आप एक बहुत ही एक्सपेंसिव मटेरियल लीजिए। सो वी आर डन हियर। सो दोस्तों, ये मैंने जो अपना आर्टवर्क था इसको मैंने एडोब फ्रेस्को में लेके आया है, और मैंने एडोब फ्रेस्को में इसको एज अ फोटो यूज़ किया था एज अ बैकग्राउंड, एंड देन इसके ऊपर मैंने पिक्सल्स ब्रश होते हैं एडोब फ्रेस्को में, और उससे मैं फिर इसको ट्रेस करा था। एंड अगर आप देखेंगे तो मैं और भी इसमें डिफरेंट एलिमेंट यूज़ कर रहा हूँ। ज़रूरी नहीं है कि आप एकदम एग्जैक्ट ट्रेस करें, आप उसको डिफरेंट भी ट्रेस कर सकते हैं। एंड आप देखेंगे कि मैंने एज अ रेफरेंस एक वॉशिंग मशीन ली थी, क्योंकि क्लाइंट चाहते थे कि फ्रंट व्यू की जगह थोड़ा साइड टिल्टेड व्यू हो, तो देन मैंने उसको भी ट्रेस किया था। एंड दैट्स इट, आई गेस दैट्स इनफ। बाकी एडोब फ्रेस्को क्या है इसलिए मैं अपकमिंग वीडियो में आपको बताऊंगा डिटेल वीडियो में। सो गाइस, हमने इस वीडियो में जाना कि हम कैसे पेंसिल ड्राइंग से डिजिटल आर्ट में पेंसिल लाइन का यूज कर सकते हैं, और ये सिर्फ अभी पेंसिल ड्राइंग से रिलेटेड था। इसके पार्ट टू में आप जानेंगे कि कैसे हम डिजिटल आर्ट को उसमें हम कलरिंग कैसे करें, कैसे क्या प्रोसेस होना चाहिए, कलर पैलेट क्या होना चाहिए, इससे रिलेटेड सारी चीज़ें आपको इसके पार्ट टू वीडियो में देखी जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और कोई अगर आपके क्वेश्चन है तो आप उसे कमेंट्स में लिख सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।